हेलो एंड वेलकम टू एनलाइटमेंट एजुकेटर्स। मैं यहाँ पे आपको एक करंट अपडेट करना चाहती हूँ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के बारे में। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये रिसेंटली अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ड्यूरिंग स्पीच अपने इनॉग्रेशन जब वो कर रहे थे वंदे भारत का, तब भी इसका जिक्र किया था। तो ऐसी चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। और मैं आपसे ये भी बता दूँ कि मैं इतने दिन से इसलिए वीडियो नहीं ला रही थी क्योंकि मुझे फीडबैक आया था कि मुझे थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए। सो आई थिंक आई डन इट अ बिट गुड। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी भी तरीके की आई विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क ऑन इट। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये CBSE जैसे एग्ज़ाम्स में बहुत यूज़फुल होने वाला है। CBSE, NDA एंड UPSC, CSE जैसे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होने वाला है। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा और अपने आप को अपडेट रखिएगा। ओके, क्योंकि हमें अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग जनरली ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और यही सब वो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि व्हाट इज़ DFC। ओके, ये क्या है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर? तो इसके नाम में है डेडिकेटेड, यानी ये किसी एक कॉमोडिटी को डेडिकेट किया गया है। और एक ये रेलवे लाइन कॉरिडोर है, ठीक है, एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जिसकी कैपेसिटी बहुत हाई होने वाली है और पेस बहुत क्विक होने वाला है। आप हर एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़िए। क्विक पेस का मतलब क्या है कि ये फटाफट जो है हमारी डिलीवरी करेगी गुड्स एंड कमोडिटीज़ का। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वर्ड फ्राइट यूज़ हुआ है दैट स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड कॉमोडिटीज़। तो यहाँ से आपकी एक वोकैब भी तैयार हो जाती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम में फ्राइट जैसी चीज़ आ जाती है तो प्लीज़ उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा। ओके, फिर याद करिएगा कि कौन सी एक स्कीम आई थी लाइक गुड्स एंड कॉमोडिटीज़, तो आपको ये वोकैब भी आपकी अच्छी होती रहेगी। सो यहाँ पे क्या था कि द ईस्टर्न कॉरिडोर हैंडल्स अ वेराइटी ऑफ ट्राफिक फ्लोज फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान टू द स्टील इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेस्ट राजस्थान को ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे राजस्थान की जो कॉमोडिटीज़ हैं वो हमारे ईस्टर्न पार्ट्स में पहुँचें और ईस्टर्न पार्ट्स की कॉमोडिटीज़ हमारे वेस्टर्न पार्ट्स में पहुँचें। इससे क्या होगा, एक तो हमारा कल्चर भी इम्प्रूव होने वाला है, प्लस जिससे हम लोग जैसे ज़्यादातर जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स चीज़ों से दूर रहते हैं, उनको गुड्स नहीं मिल पाते उस पहाड़ी इलाके में, तो वो उससे भी अवेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके साथ क्या है, यहाँ पे देखिए, इट ट्रांसपोर्ट फिनिश्ड स्टील फॉर द पावर प्लांट्स इन द नॉर्थ रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड द पार्ट्स ऑफ राजस्थान। उसके साथ दो हमारी जो पॉलिटिकल और कॉमर्शियल सेंटर हैं, मतलब हब हैं वो, लाइक मुंबई एंड दिल्ली। ये जो हमारी मुंबई और दिल्ली हैं इनकी विल बी कनेक्टेड बाय अ वाइड डेडिकेटेड वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर। तो क्वेश्चन अगर आया लाइक जैसे हमारे UPSC, CSE जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में और CBSE जैसे एग्ज़ाम्स में कुछ ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, तो ध्यान रखना हमें कि मुंबई और दिल्ली जो है वो वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर के लिए बनाए गए हैं। द वेस्टर्न DFC विल बी सेपरेट विल सेपरेट पैसेंजर एंड फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन टू स्पीड अप फ्राइट ट्रांसिट। द वेस्टर्न DFC विल बी यूज टू ट्रांसपोर्ट फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन, सॉल्ट, कोल, स्टील, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है द गोल्डन ट्राइंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इसको ध्यान नहीं देते। द गोल्डन ट्राइंगल, द गोल्डन ट्राइंगल जो है ऑफ द इंडियन रेलवेज विच कनेक्ट द 4 मेजर सिटीज ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड हावड़ा। तो यहीं से आपका बहुत अच्छा सा एक स्टैटिक भी कवर हो जाता है जिसे हम कहते हैं द गोल्डन ट्राइंगल। ओके, सो ये जो द गोल्डन ट्राइंगल है ये कौन सी 4 सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना है, कैरीज मोर देन 52% ऑफ द कंट्रीज पैसेंजर ट्राफिक, मतलब
52%, आधी जो हमारी परसेंटेज है वो तो इसी के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं पैसेंजर्स, एंड 58% ऑफ इट्स फ्राइट ट्रैफिक दैट जनरेट्स मनी, और उसके साथ साथ गुड्स और कॉमोडिटीज़ जो हैं वो कितनी हैं 58%। तो ये सारी चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर ये जो CSE के मेंस एग्ज़ाम होते हैं, या फिर आपको CAPF का मेंस लिख रहे हैं, आप उसका आप एसे लिख रहे हैं या रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो उसमें ये परसेंटेज आप मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ में रहते हैं ऐसे टॉपिक्स पर डायरेक्ट एसे जैसे चीज़ें आ जाती हैं, तो इस पर ध्यान देना है। फिर मैंने यहाँ पे आपके लिए मैप भी लगाया हुआ है कि क्या है ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, ये कहाँ कहाँ से किस रीजन को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर ये मैप आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये भी बताइए कि अगर आपको ये PDFs चाहिए, मैंने एक्चुअली आप ही लोगों के लिए बनाया है इतनी मेहनत करके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको ये PDFs चाहिए, तो आई विल क्रिएट माई टेलीग्राम चैनल और उस पर मैं ये PDFs अपलोड कर दिया करूँगी। और हाँ, अगर हिंदी मीडियम के बच्चों को ये PDFs चाहिए तो मैं इसको हिंदी में भी लेके आऊँगी नेक्स्ट टाइम से, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, ओके। और यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि ये कॉरिडोर्स में सबसे बड़ा कॉरिडोर देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2173 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ओके। तो कैसे देखिए अपनी कंट्री को ही किस तरीके से जोड़ रहा है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरे पार्ट्स को ये हमारे जोड़ रहा है, पूरे भारत को एक कर रहा है, ठीक है, ताकि हम एक दूसरे का कल्चर शेयर कर पाएँ, मटेरियल शेयर कर पाएँ और लिव हैप्पीली जो है रह पाएँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं लाइक अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, आगरा, दिल्ली, ओके, कानपुर, पटना, ये सब हब हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चर होती हैं गुड्स एंड कमोडिटीज़, हल्दिया, चंडीगढ़, ठीक, लुधियाना, तो इसको आप बहुत ध्यान रखें, कोयम्बतूर, देखिए जैसे मैप पॉइंटिंग होती है ना, ये मैं उन बच्चों को लिए, उन बच्चे जो बच्चे जो हैं हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के हैं, ठीक है, मैं उनके लिए कह रही हूँ UPSC CSE के, कि वो इस चीज़ पे बहुत ध्यान दें, ये सब जो डायरेक्ट सिटीज़ आती हैं ना मार्क करने को, आप यहीं से तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूज़ में है तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ सकती हैं मार्क करने के लिए, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ साथ ये भी देखिएगा कि कौन सा सबसे लंबा कॉरिडोर है, कौन सा सबसे छोटा कॉरिडोर है, थोड़े वन लाइनर जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वन डे एग्ज़ाम, उसमें ये सब आ जाता है, ठीक है। तो आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको ध्यान से देखिए, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, देन हमारा नॉर्थ कॉरिडोर कहाँ, ईस्टर्न कॉरिडोर कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक ट्रैवल करते हुए जा रहा है, ऐसे करके आप थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ज़रूर लीजिए, ठीक है ना। हम अपने वीडियो जो हमारा आज का वीडियो है इसको यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के बारे में पढ़ने के लिए बस इतना ही था, और कोई करंट अपडेट्स होते हैं तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन इट। फिर मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में आने वाली हूँ, जो कि साइंस एंड टेक पे बेस्ड होने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डिफेंस एग्ज़ाम प्लस CSE जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिएगा ज़रूर। और नेक्स्ट मेरी वीडियो हिस्ट्री के लिए भी होगी, और NCERT भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है मुझे, ओके। तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को जितना हो सके फ्रेंड शेयर करिए, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और आपके लिए इससे भी बेस्ट कंटेंट बना पाऊँ, ठीक है। मैं हर चीज़ हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आपके लिए पूरा मैप पॉइंटिंग से लेके हर एक चीज़ पूरा वाइडली कवर किया जा सके, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका,
ठीक है, लेट्स एंड आवर वीडियो हियर. थैंक यू सो मच.